जेएमडी न्यूज में हूं नंदिनी लाक्षकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में रखा न्यू इंडिया का एजेंडा, दोनों सदनों को किया संबोधित, सरकार की प्राथमिकता गिनाई। लखनऊ में तेज रफ्तार पिकअप वाहन नहर में गिरा, नहर में करीब आधा दर्जन बच्चे लापता, तलाश जारी। घटना पर सीएम योगी ने जताया दुख। हवाओं के जोर ने रोका मानसून, मानसूनी वर्षा का अभी करना पड़ेगा इंतजार, सेंट्रल यूपी में देर से आएगा मानसून। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर में स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हैलेट परिसर में बुधवार रात महिला बीमा एजेंट का शव मिला। एक अनजान शख्स ने मृतका के भाई को फोन पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतका की शिनाख्त की। मृतका के पति लालचंद ने बताया कि उसकी पत्नी कमला मंगलवार की सुबह बैंक में पैसे जमा करने गई थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। उसके मुताबिक जिस अनजान व्यक्ति ने फोन करके घटना की जानकारी दी है, उसी ने लूट के बाद हत्या कर दी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस का कहना है कि परिजनों को सूचना देने वाले व्यक्ति का फोन ऑफ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। स्किन यूनिट के सामने एक महिला की डेड बॉडी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे चौकी इंचार्ज उसे लेके फिर मोर्चरी में दाखिल किए। उन और उसके परिवारजन भी आ गए हैं यहाँ पे। उन लोगों ने बताया कि ये चौबेपुर की रहने वाली महिला हैं, कमला देवी इनका नाम है, और कल से गायब थी अपने घर से। तो इन लोगों के पास जो परिजन हैं उनके पास फ़ोन आया था कि हैलेट में एडमिट कराया गया था, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसे बाहर निकाल दिया अस्पताल वालों ने। तो इस तरह की सूचना किसी व्यक्ति ने दी थी। अभी मोबाइल वो स्विच ऑफ है, जब मोबाइल स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद उनसे बात करके फिर ये मालूम होगा कि कहाँ उन्हें मिली थी और कैसे यहाँ पे लाए थे, एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ हुआ, इन सारी चीज़ों की जानकारी की जाएगी। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, हत्या है या कुछ और है? नहीं, अभी प्रथम दृष्टिया हत्या जैसी कोई चीज़ नहीं लग रही। जब तक वो मोबाइल जिस व्यक्ति ने खुद ही सूचना दी है, यदि हत्या किया होता तो वो स्वयं सूचना ना देता, तो कुछ ना कुछ बात होगी, वो फ़ोन से बात होने के बाद ही मालूम होगा। उसके बाद और पोस्टमार्टम होने के बाद फिर वो उस अनुसार कार्रवाई होगी। फरखाबाद में कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव में रखे बिजली के 11,000 वोल्ट के पोल से करंट जमीन पर नीचे उतर आया, जिसके चलते एक भैंस की मौत करंट से हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दी, लेकिन एक घंटा बीतने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज ग्रामीणों ने भैंस के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सड़क जाम होने के बाद पुलिस और बिजली अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि पहले भैंस का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसमें करंट की पुष्टि होने पर भैंस मालिक को हर्जाना दिलवाया जाएगा, जिसके बाद जाम खुलवाया जा सका। हमीरपुर के नोडल अधिकारी रंजन कुमार दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की गई और विकास कार्यों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद कुरारा थाना समेत जिला मुख्यालय और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर नाराजगी जाहिर की गई और अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए।
फरकाबाद थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव आदिउली के रहने वाली निर्मला विधवा पेंशन लेकर निकली, जहां तीन बाइक सवार बदमाश ने उनका थैला छीन लिया। लोगों ने उनका पीछा किया, जिससे बाइक सवार बदमाश बिजली का पोल से टकरा गए और जिससे तीनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। वहीं गंभीर रूप से घायल एक बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत खराब होने पर उसे सैफई रेफर किया गया है। कानपुर के हरकोट पटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में से 2 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जहां इस बार नियमों में काफी बदलाव हुआ है। 1 से 7 जुलाई तक काउंसलिंग के अंतर्गत सीट आवंटन करने वाले छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जहां फीस जमा करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल जाएगा। कुल सचिव मनोज शुक्ला ने बताया कि 2000 से ज्यादा अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जहां 20 से 30 जून तक चॉइस फिलिंग की जाएगी और 1 से 25 जुलाई तक 3 चरणों में काउंसलिंग होगी। वहीं 1,35,000 फीस देनी होगी, जहां काउंसलिंग के बाद सीट फ्लोटिंग को लेकर 20,000 रुपये अतिरिक्त भी देने होंगे। वहीं सीट छोड़ने पर 5,000 रुपये फाइन भी देना होगा और साथ ही पीसीएम में 60% और जेई जरूरी है। तारीख से 25 तारीख के बीच में 3 राउंड में बच्चों के सीट अलॉटमेंट होंगे, जिसमें उन्हें कुल 1,35,000 रुपये फीस जमा करनी होगी यदि उनको सीट अलॉट होती है तो। फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में जब भी वो विड्रॉ करना चाहते हैं, उसमें उसी हिसाब से क्रमशः 5,000, 25,000 या 45,000 रुपये उनके कटेंगे। इसलिए सलाह ये दी जाती है कि जो बच्चा जिस भी सीट के लिए सीरियस हो, सिर्फ उस चीज़ की चॉइस फिलिंग करे और जो भी सीट उसे मिलती है उसकी वरीयता अनुसार उसमें वो प्रवेश ले लें। यदि कोई बच्चा 1 से अधिक सीट्स का वरीयता देता है और उसे मान लीजिए लोअर वरीयता या कम वरीयता वाली सीट मिलती है और वो ज़्यादा वरीयता वाली सीट चाहता है, तो उसमें वो कम वरीयता वाली सीट को बचाते हुए, उसको अपने पास रखते हुए ज़्यादा वरीयता वाली सीट के लिए जा सकता है। इसे हम फ्लोटिंग कहते हैं और उस फ्लोटिंग के लिए उसे 20,000 का शुल्क जनरल OBC के लिए और SC/ST के लिए 12,000 का शुल्क देना होगा, जिसके द्वारा वो ऊंची वरीयता वाली सीट को चुन सकता है यदि उसे मिलती है, अगर वो अवेलेबल है तो। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां पर मुख्य सचिव ने किया डफरिन का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखा, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। अस्पताल में पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कहा, वेंटिलेटर CET मशीन लगवाने को शासन से करेंगे बात। बड़ी खबर कानपुर से अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने किया डफरिन का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखा, आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल में पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई की कही बात। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर CET मशीन लगवाने को लेकर शासन से बात करेंगे। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने किया डफरिन का निरीक्षण। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ताओं को अपने निरीक्षण में उन्होंने परखा, जिसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि अस्पताल में पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही। इसके साथ ही शासन से वेंटिलेशन CET मशीन लगवाने की भी बात की। और इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए हमारी संवाददाता हुमा आलम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हुमा, जिस तरह से निरीक्षण किया अपर मुख्य सचिव ने, क्या कुछ इस निरीक्षण में अब तक सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, जो अपर मुख्य सचिव है उन्होंने आज सुबह डफरिन का निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। उसके साथ ही जो बाहर मरीजों के जो धूप में खड़ा होना पड़ता था या तीमारदारों को, उसके लिए बाहर एक टीम शेड लगाने की भी उन्होंने तुरंत निर्देश दिए हैं, ताकि मरीजों को और उनके साथ आए लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वहीं इसके अलावा एक
जो अस्पताल में कई सारी कमियां हैं, जिसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन नहीं लगी हुई है। सीईटी एक मशीन होती है जिससे बच्चों को बच्चों की सांस आती है, वो मशीन वहां पर नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वो शासन में प्रस्तावित है, लेकिन वो जल्द से जल्द यहाँ मिले, इसके लिए वो खुद सरकार से शासन से बात करेंगी। जी, जिस तरह से जो बेसिक जो जरूरतें हैं उसकी भी कमियां उन्होंने पाई, और क्या कुछ बातें आगे की किसी तरह के प्लान को लेकर के उन्होंने बात की, किसी तरह का आश्वासन दिया और भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए? जी बिल्कुल, उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, और मरीजों को जो बाहर धूप में खड़े रहते हैं उसके लिए टीन शेड लगाने के निर्देश दिए, और ऑक्सीजन पाइपलाइन जो बेहद जरूरी है वहां पर डस्टबिन में, और इसके अलावा वेंटिलेटर भी नहीं है वहां पर, क्योंकि हॉस्पिटल की तरफ से प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, काफी पहले भेजा गया था लेकिन अब तक नहीं वो पूरा हुआ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेशेंट इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जिनको जरूरत होती है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे और जल्द से जल्द वहां पर वो मशीनें लगवाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुमा तमाम जानकारी देने के लिए। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने डफरिन का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस निरीक्षण में उन्होंने वहां की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को परखा, साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन में पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही। आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर सीईटी मशीन लगवाने के लिए वो शासन से बात करेंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी, शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी, कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी, शी केयर सिरप। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन भारत सुपर लीग आजकल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में धूमधाम से खेली जा रही है। 8 जिलों में खेली जा रही इस लीग में ग्रामीण परिवेश में आई टीमों को इनामी राशि से सम्मानित किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों को इस भव्य प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा, और पूरे प्रदेश के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में हर जगह फाइनल में जाने वाली टीम को एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन की ओर से नगद इनाम, ट्रॉफी, मेडल, किट आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। कबड्डी का मैदान दुधिया रोशनी में ऐसे चमक रहा था मानो मैदान पर एशियन पेंट्स की एस इमल्शन ही लगा दिया हो। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक अविस्मरणीय दृश्य था, जिसमें देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी ने आगे बढ़ चढ़कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन ने खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर आए हुए दर्शकों के लिए इनाम की व्यवस्था की है। एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट्स पर खास 3 साल की वारंटी दे रहे हैं, इसलिए दर्शकों के लिए खास तरीके से बनाए गए सूचना केंद्र पर एशियन पेंट्स ने अनेक प्रकार के खेल खिला के विजेता दर्शकों को कई आकर्षक उपहार दिए। एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमल्शन भारत सुपर लीग का अगला चरण तमिलनाडु में खेला जाएगा। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल, द मॉल, कानपुर। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र।
सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में जेएमडी न्यूज पर। मनोरंजन ही मनोरंजन मात्र 176 रुपए में। जी हाँ, टेन नेटवर्क्स लाया है अपने उपभोक्ताओं के लिए एक नया प्लान जिसमें आपको मिलेंगे 136 चैनल, वो भी मात्र 176 रुपए प्रति माह में। उसमें आप देख सकेंगे 100 फ्री टू एयर चैनल्स और 36 पे चैनल्स जैसे आज तक, जूम, CNBC आवाज, मूवीज ओके, सोनी मिक्स, स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार उत्सव मूवीज, जी सलाम और भी बहुत से पे चैनल्स। तो देर किस बात की, आज ही अपने केबल ऑपरेटर से ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की ओर से जल्द रिलीज हो रही फिल्म आर्टिकल 15 के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है और संस्था के सदस्यों का कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से निर्माता निर्देशक ने ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश की है। फिल्म में वह सत्य घटना है जो अन्य जातियों के लोगों के द्वारा घटित हुई है, लेकिन फिल्म में ब्राह्मण जाति का नाम भी जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की फिल्मों पर सेंसर बोर्ड को नियंत्रण करना चाहिए। ये फिल्में समाज में हिंसा भड़काने वाली होती हैं और वार्ता के माध्यम से चेतावनी दी गई कि इस फिल्म की रिलीज को जल्द ही नहीं रोका गया तो निश्चित ही ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। समाज के ऊपर आर्टिकल 15 नाम की फिल्म बनाई गई है जिसमें ब्राह्मणों को हवसी और बलात्कारी साबित किया गया है। ये पूर्णतः गलत बात है। इस फिल्म सत्य घटना पर आधारित है जिसमें यादवों ने दलित के साथ बलात्कार किया था, लेकिन यादवों को हटाते उन्होंने ब्राह्मणों को शामिल कर दिया और ब्राह्मणों को जगह जगह अपमानित करने के उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया गया है, जिसकी रेटिंग का पूर्ण रूप से बैन चाहते हैं। सर, इसके लिए अब तक क्या क्या प्रयास आप लोगों से किए? अभी तक इसके लिए हम लोगों ने कम से कम 12-13 जिलों में जगह जगह DM को ज्ञापन दिया, इसमें रायबरेली, अलीगढ़ और हमारा सुल्तानपुर, अमेठी, कई जिलों में, भदोही में DM को ज्ञापन दिया कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने ब्राह्मणों की मांग को मानते हुए इस फिल्म को पूरी तरह बैन कर दिया है। अगर फिल्म रिलीज की जाएगी तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज इस फिल्म को रोकेगा, तोड़फोड़ करेगा, ताकीलों में जलाने का काम करेगा, पर्दे फाड़ने का काम करेगा। पूर्ण रूप से हम लोग आमरण अनशन पाएंगे, लेकिन फिल्म को रिलीज नहीं होगी। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके को लेकर शहर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। ग्रीन पार्क समेत शहर के कई पार्कों में कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। शहर के कई सामाजिक और योग संगठन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रशासनिक आंकड़ों की माने तो इस बार योग दिवस के मौके पर लगभग 3 लाख लोग हिस्सा लेंगे। शहर में प्रमुख 4 स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें HPTU, मोती झील, ग्रीन पार्क और कंपनी बाग जैसी जगहों पर भारी संख्या में आकर लोग योग का लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर आयोजकों की ओर से सभी से 21 जून को भारी से भारी संख्या में योग करने की अपील भी की जा रही है। योग के इस पखवाड़े में आयुष मंत्रालय की ओर से भी बड़ा योगदान दिया जा रहा है। CMO राजेश शुक्ला भी आगंतुकों को योग की शिक्षा दे रहे हैं, साथ ही ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी और घुटना संचालन जैसे योग करवाकर रक्त संचार को गतिशीलता दे रहे हैं। इस मौके पर आयोजक पीयूष अग्रवाल ने सभी शहरवासियों से 21 जून को भारी संख्या में ग्रीन पार्क में आने की अपील भी की। देखिए, आयुष मंत्रालय जो है, ये 5वां चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है, तो आयुष मंत्रालय का तो रोल बराबर रहा है इसमें जो है, तो आयुष मंत्रालय का सहयोग रहता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है घोषित कराया जो है। इससे भारत की जो है विश्व में एक अच्छी पहचान बनी है जो है। और हमारा प्रशासन, कानपुर का प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी और हमारे ADM City जी, प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है और प्रशासन के साथ साथ सबसे जो अहम भूमिका निभाई है वो हमारे योगा एसोसिएशन के संरक्षक जो है पीयूष अग्रवाल जी ने निभाई है और इनका पूरा सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। आप जैसा कि आप सभी लोगों को सर्वज्ञात हो गया होगा, इतनी पब्लिसिटी और इतना प्रचार हो रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग योग पखवाड़ा मना रहे हैं 4 जगहों पे और ग्रीन पार्क में। इसका मुख्य दिवस 21 जून को है
आप सभी नगरवासियों से मेरी हार्दिक अपील है कि इसको जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिससे हम लोग ये शो कर सकें कि हमारे अंदर एक अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था है। देखिए, पिछले वर्षों की तरह जिस तरह से योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है, 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कानपुर जिला प्रशासन और कानपुर योग एसोसिएशन की तरफ से योग पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चौथे दिन HBTI, मोती झील, ग्रीन पार्क जैसी जगहों पर भारी संख्या में लोगों ने योग किया। कि योगा 21 दिवस को जो योगा होने वाला है उसकी सारी तैयारियां पूर्ण है। अब हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हम लोग के ग्रीन पार्क स्टेडियम आए और यहाँ पे योगा करें, जिससे हम लोग का और सबका मनोबल बढ़ सके। एटा की जिला महिला चिकित्सालय में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के साथ कस्टडी में आई युवती के परिजनों ने युवती को पुलिस कस्टडी से जबरन छुड़ाने का प्रयास किया। इस दौरान युवती के साथ आए दरोगा और महिला कांस्टेबल के साथ परिजनों ने जमकर हाथापाई और मारपीट कर दी। अचानक पुलिस पर हुए हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के साथ मारपीट की सूचना के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुंचा और मामले में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला जलेसर कोतवाली के नकला मीरा की रहने वाली युवती रूबी के का है, जिसका हाथरस जिले के सिकंदरा मऊ निवासी मोनू से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती अपने परिजनों के खौफ के चलते 2 माह पहले युवक के साथ घर से भाग गई थी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण का मामला जलेसर कोतवाली में दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिन पहले युवती ने युवक मोनू के साथ कोर्ट मैरिज भी कर ली थी और इसी बीच विवेचना के दौरान युवती हाईकोर्ट चली गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एटा पुलिस को युवती का मेडिकल और 164 के बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। सुपर लीग आजकल उत्तर प्रदेश की